हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। आज मैंने अपने दिन की शुरुआत कुछ ऐसे करी। सुबह सुबह मैंने खाना बनाया क्योंकि आज हम मंदिर जाने वाले थे, इसलिए खाना मैंने थोड़ा जल्दी बना लिया। आप देख सकते हैं मैंने पोटल भाजी किया, ये टंडे भाजी किया और दाल बनाई, और मेरी बेबी के लिए थोड़ा खिचड़ी बनाया। ये मेरी बेबी के लिए खिचड़ी बनाया, थोड़ा चाय बना के हमने पिया सबने एक साथ, और मेरा खाना रेडी हो चुका है। ये देखिए, ये दोपहर का लंच है जो मैं बना के जा रही हूँ। अब मैं नहा चुकी हूँ, नहाने के बाद अब रेडी होंगे। अब देखिए, रात को बारिश हुई थी, मौसम बहुत अच्छा है बाहर का। हम लोग रेडी हो चुके हैं सब, बस निकलने वाले हैं। हम लोग आज हमारे यहाँ पे एक फेमस मंदिर है, वहाँ पे जा रहे हैं। वहाँ पे हम लोग सब पूजा करेंगे। हम लोग वहीं के लिए निकल गए हैं। मेरे साथ मेरा हस्बैंड है, मेरी ननद है, मेरी सासू माँ है। ये हमारा बाज़ार है, ये हमारा लोकल बाज़ार है। हम मंदिर के बाहर पहुँच गए हैं। इस मंदिर में ये अगस्त महीने में ये मेला लगता है, ये पूरे महीने ये मेला रहता है। इस चीज़ का मतलब हमारे यहाँ का ये एक फेमस मेला है, फेमस पूजा है यहाँ का। यहाँ पे बहुत अच्छा मेला लगा हुआ है। छोटी मोटी सारी ज़रूरत का सामान यहाँ मिल जाता है। मोनोशा पूजा के दिन यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है। ये मोनोशा देवी का मंदिर है जो बहुत फेमस है यहाँ का, बिष्णुपुर का बहुत फेमस मंदिर है। आप देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ है, और मोनोशा पूजा के दिन तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। हम लोग आ भी नहीं सकते हैं, इसलिए हम जल्दी आ गए हैं, पहले ही आ गए हैं। इस पूरे महीने यहाँ पे ऐसी भीड़ रहती है। मैं और मेरी सासू माँ अब पूजा करने के लिए मंदिर में गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है। हमारे बंगाली कल्चर में मोनोशा देवी को बहुत बड़ी देवी माना गया है, और इस चीज़ को हमारे इस एरिया में बहुत मानते हैं। इस मंदिर की बहुत मान्यता है यहाँ पे। फिर हमने पूजा किया, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, भीड़ बहुत थी। हमने काफ़ी देर वेट किया, फिर हमें मौका मिला। यहाँ पे एक तालाब है जहाँ पे सब स्नान करते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं। मैं और मम्मी ने यहाँ पे साथ में पूजा किया। यहाँ पे बहुत अच्छा मेला लगा हुआ था। हम पूरे मेले में घूमे यहाँ पे। आज गर्मी भी थी, रात को बारिश हुई थी, लेकिन सुबह गर्मी भी थी। फिर हम वहाँ से पूजा करके वहाँ से निकले। हम अभी एक दूसरे मंदिर के लिए जा रहे हैं। यह है मुकुंद घाट मंदिर, जो हमारे घर से 15 किलोमीटर दूर है। हम वहाँ पे पहुँचे। हम यहाँ पे भी एक मंदिर में ही गए थे, वहाँ पे हम पूजा करने वाले थे। यहाँ पे गंगा घाट है, बहुत सुंदर जगह है ये। से जाना है ना? आप जो भी देख रहे हो मुझे, मेरे व्यूअर्स, यहाँ पे आने की ज़रूर कोशिश करना। आप सबको यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे बहुत बहुत सारी मंदिर है। एक काली माता का मंदिर है, शिव मंदिर है, गणेश मंदिर है। यहाँ पे ये देखिए, गंगा मैया है हमारे। हमने गंगा जल भरा। वहाँ से गंगा जल भरने के बाद
हम मंदिर में आए थे, लेकिन मंदिर इस टाइम बंद था। अभी 3 बज रहे थे तो इस टाइम बंद था मंदिर, इसलिए हमने बाहर ही पूजा किया पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे ये मंदिर अभी 5 बजे खुलेगा, लेकिन हम इतना वेट नहीं कर सकते थे, हमें घर लौटना था, इसलिए मैंने बाहर जो शिवलिंग था यहाँ पे मूर्तियाँ रखी हुई थी एक पेड़ के नीचे, यहाँ पे भी सबने पूजा किया था, हमने वहीं पूजा किया, फिर हम निकल गए वहाँ से। हमें आज थोड़ा जल्दी घर जाना था इसलिए हम निकल गए, नहीं तो हम थोड़ी देर और वेट करते हैं। फिर हम रास्ते में एक रेस्टोरेंट में गए, यहाँ पे हम कुछ खाने वाले थे, हम सुबह से हम लोग भूखे थे, हमने कुछ नहीं खाया था। हमने ऑर्डर किया स्पेशल थाली, चपाती, शाही पनीर और दाल मखनी, ये ऑर्डर किया। मैं मेरी बेबी को खिला रही हूँ, उसको भी भूख लगी थी। मैं मेरी बेबी को आलू खिला रही हूँ, वो थोड़ा थोड़ा खा रही है, हाथ में मैंने एक चपाती दी है, वो थोड़ा थोड़ा तोड़ के खा रही है। ये देखिए बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं, इनको देख के मुझे भी अपने बचपन की याद आ गई। फिर हम वहाँ से खाना हमने खाया, हम फ्री हो गए यहाँ से, हम घर लौटने के लिए निकले हैं। ये हम घर लौट गए, हमारा घर सामने है, हम घर पहुँच गए। थैंक यू दोस्तों, मेरा